चलें जी व्यूवर्स, आखिरकार आज पाकिस्तान ने अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कार अनवील कर दी है, जो कि खूबसूरत रेड कलर में विद ब्लैक कम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन ब्लैक रूफ है गाड़ी की, ये एक लाइन चल रही है ब्लैक कलर की, साइड ग्लास भी ब्लैक है, डोर हैंडल भी ब्लैक है, इंतहाई खूबसूरत गाड़ी लग रही है मुझे तो, कलर भी बहुत प्यारा है। अच्छा, फ्रंट पे भी ऐसी है, बम्पर में ये हेडलाइट्स के दरमियान में खूबसूरत ब्लैक कलर, अच्छा लाइनिंग भी गाड़ी के देखें ब्लैक है, और नीचे टायर्स के साथ भी एक बड़ी चौड़ी पट्टी चल रही है, साइड डोर्स के हैंडल ब्लैक हैं, ये गाड़ी का नाम लिखा हुआ है नूर ई। जहाँ तक मुझे मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, गाड़ी का बैक इतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, इसका बैक सुजुकी बोलान जो कैरी डब्बा भी हम कहते हैं, उसका फ्रंट और इसका बैक सेम लग रहा है। अच्छा, साइड ग्लास में इंडिकेटर भी दिए हुए हैं, फ्रंट बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत लग रही है फ्रंट मुझे। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताइएगा। चलें अब गाड़ी को अंदर से दिखाते हैं आपको। अच्छा, अंदर एंटर होते ही आपको स्टार्ट बटन नज़र आ जाता है, खूबसूरत स्टीयरिंग विद मल्टीमीडिया, कॉल रिसीव भी है, खूबसूरत LED दी हुई है। अच्छा, इसका मीटर सेंटर में नहीं दिया हुआ जैसे नॉर्मल हमारा दिया होता है गाड़ियों में, इसका मीटर साइड पर दिया है, कंपार्टमेंट बंद है शायद, खुल नहीं रहा। अच्छा, AC विंड दिए हुए हैं दो पैसेंजर साइड पे और दो ही आपको ड्राइवर साइड पे नज़र आते हैं, आर्म रेस्ट दिया हुआ है, ऑटो विंडोज़ हैं, खूबसूरत गाड़ी है। और देखें अंदर से डैशबोर्ड भी, थोड़ा मटेरियल इतना अच्छा नहीं लग रहा लेकिन जो वैसे अच्छा लग रहा है, सीट्स बहुत कम्फर्टेबल हैं, अच्छी लग रही हैं। इंटीरियर में देखें ब्लैक एंड सिल्वर कम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और देखिए पूरा सिल्वर चल रहा है शुरू स्टैंड तक। हाँ, आपको अब पीछे की सीट्स दिखाते हैं कितनी स्पेस है उसमें। अच्छा, आगे वाली सीट फुल पीछे हुई है इसलिए थोड़ा सा स्पेस आपको लग रहा होगा कम है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा इसका स्पेस ऑल्टो 660 जितना है, पीछे भी दो बड़े और एक छोटा बैठ सकता है आराम से। अदरवाइज़ ये 4 पैसेंजर कार है जो कि ईजीली ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी स्पेस का जहाँ तक मैंने बताया तकरीबन ऑल्टो 660 जितनी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत खूबसूरत गाड़ी है। बाकी जब इसकी प्रोडक्शन 2024 या 25 में स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह और मज़ीद बेहतरी आएगी। जहाँ तक इसकी प्राइस का ताल्लुक है, ये तकरीबन 28 लाख से लेकर 30 लाख तक इसकी प्राइस एक्सपेक्टेड है, तो जब गाड़ी ऑफिशियल लॉन्च होगी तो इसकी प्राइस भी कंफर्म हो जाएगी। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।